Hello everybody and welcome to our YouTube channel KV Classes. It's me Alia Mishra is here once again and today we are going to discuss 10 more important questions with you guys. So without any further ado, let's move on to the question that is on your screen. So question number 1 is on your screen. Before I start this video, I have something to tell you guys. मैं जो भी videos आपको provide करती हूँ that is really important for you. फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करती हूँ डेफिनेटली मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करती हूँ ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो. सो या एंड दिस सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपको मेरी वर्डिंग से प्रॉब्लम है दैट मीन्स कई लोगों ने मुझे ये कहा था कि मैं इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हिंदी भी उतना यूज़ करूँ. सो अगर आपको प्रॉब्लम स्टिल हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. एंड द थर्ड वन इज़ कि शायद मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि मैं काफ़ी फास्ट पढ़ा रही हूँ. तो अगर आपको ऐसा भी लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ. सो या लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन दैट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चरण पादुका कैंपेन फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स मूविंग थ्रू द स्टेट. आपको ये बताना है कि किस राज्य सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है. ठीक है. एंड द ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 इज़ बिहार, नंबर 3 इज़ मध्य प्रदेश एंड नंबर 4 इज़ महाराष्ट्र. एंड द करेक्ट आंसर इज़ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया है चरण पादुका कैंपेन. ठीक है. इसमें क्या करना होता है, ये क्यों स्टार्ट किया गया है, फिर इसमें होता क्या है. तो जो भी पीपल अपने घर को लौट रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 अभी काफ़ी ज़्यादा छूट मिली है तो लोग अपने घर को जा रहे हैं. तो कई लोगों के पैर में स्लीपर्स नहीं है, शूज़ नहीं है, दे हैव नथिंग टू वियर, उनके पास कोई फुटवेयर नहीं है यूज़ करने के लिए. तो इस चरण पादुका कैंपेन के अंदर वो स्टेट गवर्नमेंट दैट इज़ मध्य प्रदेश उन लोगों को स्लीपर्स या फिर उनको चप्पल जो है वो दिला रही है ताकि वो अपने घर पे इजीली उसे पहन के जा सके, इस गर्मी में उन्हें प्रॉब्लम ना हो. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग कि अगर कोई आपसे पूछता है कि कैंपेन कब स्टार्ट की गई है, यू हैव टू से दैट 18th of May 2020. ओके ओके. इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट शौर्य चक्र अवेयरनेस ऑफ आर्म फोर्सेज हेलिंग फ्रॉम द स्टेट कैन ट्रैवल इन रोडवे बसेज फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किया है दैट कि जो भी आर्म फोर्सेज हैं या फिर सशस्त्र बल जो हैं वो शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं. ओके. एंड द ऑप्शंस आर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान. राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ये घोषणा की है कि राज्य के सशस्त्र बलों के शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं. ओके. एंड अगर कोई आपसे पूछता है कि इन्हें कब अप्रूव किया गया है, इन्हें कब अनाउंस किया गया है, यू हैव टू से दैट 18th of May 2020. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग कि अगर ये कोई आपसे पूछता है कि इसे किसने अनाउंस किया है, यू हैव टू से दैट उन वहाँ के जो CM हैं, आई गेस आप सबको पता होगा कि ही इज़ अशोक गहलोत. आप सबको शायद पता होगा बट जिनको नहीं पता है उसके लिए मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि वहाँ के जो CM हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया है. ओके. इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 3rd. आई एम रियली सॉरी दैट इट स्लिप ऑफ टंग. ओके. रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स क्रिकेटर कमिटी हैज़ रिकमेंडेड बैनिंग द यूज़ ऑफ सैलिवा टू साइन द बॉल. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. आपको बताना है कि हाल ही में क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट कमेटी के जो चेयरमैन थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने बैन कर दिया है सैलिवा दैट इज़ लार, उसको यूज़ करने के लिए बॉल के ऊपर जो कि गेम में यूज़ करते हैं. ओके. तो अब मैं इन सारी सिचुएशन को इन शॉर्ट रिव्यू आपको समझाती हूँ. जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं वो सैलिवा यूज़ करते हैं बॉल्स के ऊपर, स्पेशली ऑन द रेड बॉल्स, वो उसको शाइनी बनाने के लिए और उनको काफ़ी अच्छे से स्विंग कराने के लिए. ये उनका एक स्ट्रैटेजी होता है जिसकी वजह से वो उसको यूज़ करते हैं. बट नाउ अडेज जो रिसेंटली अभी हाल ही में हमारे जो चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैं, उन्होंने इस चीज़ को बैन किया है क्योंकि वो समझते हैं कि इससे हेल्थ को इशू पड़ती है. क्योंकि बार बार अगर आप अपना सैलिवा बॉल पे यूज़ करते हो तो आपको इंटरनल इश्यूज हो सकती है, इसलिए इस चीज़ को बैन की गई है. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि उस टाइम जब इसे बैन किया गया है तो उसके चेयरमैन कौन थे. यू हैव द 4 ऑप्शंस. नंबर 1 इज़ मनु सहनी, नंबर 2 इज़ मुस्तक अहमद, नंबर 3 इज़ जय शाह, नंबर 4 इज़ शशांक मनोहर. एंड द करेक्ट आंसर इज़ शशांक मनोहर. शशांक मनोहर उस टाइम के चेयरमैन थे जब
सैलिवा को यूज़ करने के लिए बैन किया गया है बॉल के ऊपर उसे साइनी और स्विमिंग स्विंग कराने के लिए, ओके। एंड अगर कोई आपसे पूछता है कि इन्हें कब बैन किया गया है, तो 18th of May 2020। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री होस्टेड अ वेबिनर ऑन रिवाइटलाइजिंग म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेस टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल म्यूजियम डे। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की संग्रहालयों को का पुनर्जीवन और संस्कृति स्थल विषय पर एक वेमिनार आयोजित किया है। एंड द ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि इन्हें कब स्टार्ट किया गया है, यू हैव टू से दैट 18th of May 2020। ओके, लेट्स हैव द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन बोर्ड, दैट इज हाउ मच फंड वॉज रिलीज बाई NABARD, दैट इज NABARD, फॉर खरीफ एंड प्री मानसून ऑपरेशन। आपको बताना है कि कितनी फंड रिलीज की गई है NABARD और खरीफ और प्री मानसून ऑपरेशन के लिए। COVID-19 की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वर्ल्ड वाइड इशू है ये। इसकी वजह से जो किसान है, जो फार्मर्स है, वो अपनी फार्मिंग नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ रहा है। तो हमारे गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ कीमत, कुछ पैसे देने की, फंडिंग करने की बात कही है। तो आपको बताना है कि वो कितनी फंडिंग की गई है खरीफ एंड प्री मानसून ऑपरेशंस के लिए। एंड द ऑप्शंस आर 20 crores, नंबर 2 इज 30,500 crores, 20,500 crores एंड 10,500 crores। एंड द करेक्ट आंसर इज 20,500 crores, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो है 18th of May 2020 को इनको ये प्रोवाइड किया गया है, जो खरीफ और नॉन मानसून ऑपरेशन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है ये फंडिंग, ओके। और ये जो है द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म है, क्योंकि आप में से शायद कई लोग मुझसे ये पूछ सकते हो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NABARD। यू हैव टू से दैट द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। लेट्स हैव द क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। किसे नियुक्त किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। एंड द ऑप्शंस आर राजेश गोयल, विजय अरोड़ा, रोहित वर्मा, संजय खाकरे। एंड द करेक्ट आंसर इज राजेश गोयल। राजेश गोयल को जो है अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। एंड इन्हें जो है 17th of May 2020 को नियुक्त किया गया है, और इससे पहले भी ये काम करते थे एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान फिब्रेव, ओके। अगर कोई आपसे पूछता है कि इससे पहले ये क्या करते थे, तो ही वॉज ऑल्सो सर्विंग एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान फिब्रेव, ओके। लेट्स हैव टू द क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी दैट इज स्लिप ऑफ टंग, क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ओप्पो अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद ब्रिज टेलीकॉम कंपनी टू बूस्ट 5G एडॉप्शन इन द वर्ल्ड। एंड द ऑप्शंस आर वोडाफोन, एयरटेल, BSNL, रिलायंस जियो। एंड द करेक्ट आंसर इज वोडाफोन। वोडाफोन के साथ जो है हाल ही में चीन स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने दूसरी कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने का बढ़ावा देने की घोषणा की है विथ वोडाफोन, ओके। किसके साथ? विथ वोडाफोन। एंड ये कब किया? तो 18th of May 2020, ओके। लेट्स हैव द क्वेश्चन नंबर 8, दैट विच बैंक हैज स्टार्टेड अ स्पेशल बिजनेस वर्टिकल डेडिकेटेड टू गोल्ड लोन टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ इट्स कस्टमर ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक। आपको बताना है कि हाल ही में किस बैंक ने एक स्पेशल वर्क शुरू की है जिसमें वो गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, जिसमें वो गोल्ड के थ्रू लोन्स ले सकते हैं, और उन्हें उसके लिए कितनी इंटरेस्ट पे करनी है, काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पे आपसे पूछी जा रही हैं कि किस बैंक ने ये स्टार्ट किया है। एंड द ऑप्शंस आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। एंड द करेक्ट आंसर इज केनरा बैंक। केनरा बैंक जो है वो अपने डेली कस्टमर्स को या फिर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है लोन
एज अ आप वहाँ पे कोलेट्रल अपनी गोल्ड को रख सकते हो, एज अ सिक्योरिटी आप वहाँ अपनी गोल्ड रख के वहाँ से पैसे ले सकते हो. जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड इशू बहुत ज़्यादा महामारी पड़ी हुई है, सारे ही लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो अगर आपके पास गोल्ड है तो आप केनरा बैंक में जाके उसके थ्रू जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है आप वहाँ जाके पता कर सकते हो, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जाके लोन ले सकते हो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर. एंड या देयर इज़ वन मोर थिंग आई मस्ट हैव टू मैंशन, द डेट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ कि इसे कब स्टार्ट किया गया या फिर बैंक ने कब शुरुआत किया है इस स्पेशल स्कीम को, तो 17th of May 2020. लेट्स हैव टू द क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज रत्नाकर मटकरी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ डेस्ट राइटर. रत्नाकर मटकरी जो है उनका हाल ही में निधन हो गया है, वो राइटर थे, वो कहाँ के राइटर थे? एंड द ऑप्शन आर बंगाली, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, एंड द करेक्ट आंसर इज़ मराठी. वो एक मराठी राइटर थे. तो अगर आपसे कोई पूछना है रत्नाकर मटकरी कहाँ के राइटर थे, यू हैव टू से दैट वो मराठी राइटर थे, उनकी निधन हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और उनकी जो निधन हुई है वो 18th of May को हुई है, जिस वक्त उनकी एज 81 years old थी. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम टू न्यू बॉर्न गर्ल बॉर्न इन स्टेट हॉस्पिटल. आपको बताना है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट, जिसके अंदर जो न्यू बॉर्न गर्ल्स हैं उन्हें वो किट प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हॉस्पिटल में. एंड द ऑप्शंस आर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान. राजस्थान ने, दैट इज ऑप्शन बी, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर. राजस्थान ने इस चीज़ के लिए, सरकार ने अस्पताल में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 17th of May 2020. एंड बाय होम इट वॉज स्टार्टेड, तो इट वॉज स्टार्टेड बाय द CM ऑफ राजस्थान, हुज नेम इज अशोक जगलोत, ठीक है, गहलोत, आई एम रियली सॉरी दैट स्लिप ऑफ टंग, अशोक गहलोत के थ्रू ये स्टार्ट हुआ है, जो कि वहाँ के CM हैं, जिनके बारे में अभी मैंने आई थिंक 2-3 क्वेश्चन पहले ही जिक्र किया है. सो या दिस इज इट, वी हैव डन 10 क्वेश्चंस येट. तो कल मैं मिलूंगी आपके साथ इसी वक्त 10 नए क्वेश्चंस के साथ. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज KV क्लासेस, हिट द बेल आइकन, ताकि मैं आपको जब भी वीडियोस प्रोवाइड करूं तो आप उस बेल आइकन के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियोस, ताकि मुझे ये पता लगे कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है. जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो लाइक करते हैं, उनके लिए रियली थैंक्स. जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए रियली थैंक्स. अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. एंड देयर इज वन मोर थिंग, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको आज पढ़ाई है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई रिपीट, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस, ताकि मैं आपको विद इन 24 आवर्स उसके सारे आंसर्स दे सकूं. सो या दिस इज इट, मिलती हूँ कल इसी वक्त नए 10 क्वेश्चंस के साथ. तब तक स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड बाय बाय.